जहां एक तरफ चीन अपनी कोरोना नीतियों के चलते वैसे ही कुख्यात हो रखा है, वहीं अब राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की माने तो चीन द्वारा कोरोना को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंधों को एक बार फिर अचानक हटाने से 2023 तक मामलों में जबरदस्त विस्फोट हो सकता है और यहां 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। दरअसल IHME के अनुमानों के अनुसार चीन में मामले 1 अप्रैल के आसपास चरम पर होंगे, जब वही मौतें 3,22,000 तक पहुंच जाएंगी। IHME के निदेशक क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि तब तक चीन में लगभग एक तिहाई आबादी संक्रमित हो चुकी होगी। हालांकि वहीं चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोरोना प्रतिबंध हटाने के बाद से किसी भी आधिकारिक कोरोना मौत की कोई सूचना नहीं दी है। वहीं आखिरी आधिकारिक मौत 3 दिसंबर को दर्ज हुई थी। वहीं चीन में कुल महामारी से होने वाली मौतें 5,235 हैं। चीन में वहां के लोगों के द्वारा हुए अभूतपूर्व सार्वजनिक विरोध के बाद इसी महीने दिसंबर से अपने यहां लागू दुनिया के कुछ सबसे भयंकर और कठिन कोरोना प्रतिबंधों को हटा लिया है और अब एक बार फिर बढ़ रहे संक्रमण में वृद्धि का सामना कर रहा है। हालांकि अब ये भी आशंका है कि अगले महीने से नए सालों की छुट्टी के दौरान कोरोना एक बार फिर उसकी 1 से 4 बिलियन आबादी में फैल सकता है।